तो ऑलराइट गाइस, आपको स्वागत है माय न्यू ब्लॉग्स में। तो आज हम जा रहे हैं सिग्नेचर ब्रिज घूमने के लिए। जैसे तो इतना फास्ट फास्ट कौन बोलता है, मैं बोलता हूँ एकदम मस्त, एकदम झकास। तो चलते हैं आज सिग्नेचर ब्रिज। चलो ये स्टेशन जा रहे हैं घूमने, थोड़ा लंबा सा टाइम था, आज सोचा है कुछ बाहर की तरफ चलते घूमने, इसलिए आज हमने बैक पैक कर लिया है पूरे तरीके से। और आज हम निकले हैं हाईवे रोड की तरफ। हाँ, जैसे कि मैंने बोला कि आज हम हाईवे की तरफ जा रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना कुछ नई जगह चलते हैं घूमने के लिए। तो हमने सोचा कि आज सिग्नेचर ब्रिज जाएंगे और देखेंगे, दो तीन बढ़िया पार्क में चलेंगे आज घूमने। वैसे ज़्यादा अभी मैंने ट्रैवल करना तो अभी शुरू किया है खाली, तो हम नई नई जगह जाएंगे घूमेंगे। और अभी देखते हैं, पहले तो हमें यहाँ से बस पकड़नी पड़ेगी, यहाँ से सीधा फिर हम जाएंगे नानकसर से उतर के फिर सीधा हम जाएंगे सिग्नेचर ब्रिज। ये हमारे यहाँ की बंद गली है, एकदम बिल्कुल छोटी, बिल्कुल शांति जिसे कहते हैं, तो मस्त एकदम। ये देख सकते हैं हमारे यहाँ का शादी का है, एकदम मस्त लग रहा है एकदम। जैसे ही देख सकते हैं सुबह कितनी शांति होती है, एकदम पूरा हमारे यहाँ का जो है रास्ता है पूरा खाली अभी, क्योंकि अभी इतने बजे तक सब सो के उठते हैं, इसके वजह से पूरा रास्ता इधर एकदम शांति के साथ, ना धूल खाली इतनी उड़ भी रही है, पूरा बढ़िया तरीके से सब चलते हैं। अभी हम बस स्टैंड के पास पहुंचने ही वाले हैं। Cheers to the wish you were here but you're not, cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. No like it, that's a piece of work. I'm going to let the toilet up back to it. Or if I'm going to get a little longer, it's a little bit. There's a clear. हमारे बस कैसे चल रही है, चल रही है एकदम बस। ये देखिए हमारे यहाँ बस का पूरा हिले लाके चल रही है, धड़क धड़क ऐसा सही मसाज सी देती है बस, पूरी सही ढंग से। I feel love when I look into your eyes. I believe if you move out from my side, I'll be losing. I'll be losing grip on you, grip on you. Everybody hurts sometimes. Alright guys, फिर से आपका हमारे द्वारा से एक और बार फिर से आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। और कहते यार बस वाले ने तो सही पागल बना दिया हमारा, क्योंकि हमें जहाँ जाना था उससे हमें आधे ही रास्ते में छोड़ दिया, कह रहे वहाँ से बस नहीं जाएगी। क्या कर लेता, हमें जाना था नानकसर, तो उसने हमें यहीं पर ही बाहर की साइड ही उतार दिया। अब देखते यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा हमें काफ़ी दूर तक, ज़्यादा नहीं 2-3 किलोमीटर दूर तक पैदल जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद फिर गाड़ी कर लेंगे आगे से। यहाँ के साथ मज़े लिए दूर तक। आज हमें फिर से एक मज़ेदार चीज़ दिखी है, तो हम वहाँ पर चलते हैं, तो एक बार चलते हैं फिर से देखते हैं उसमें। You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could be. मैंने भी एक अंकल से पूछा कि उस जो किला है उसके अंदर जाने का रास्ता कहाँ पे, तो वो फिर से पता चला कि उसी जगह पे रास्ता था, बस हल्का सा थोड़ा सा आगे आना था। अब मुझे इतना लंबा घूम के फिर दोबारा वहीं पे जाना पड़ रहा है, उसका क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा वो किला, छोटा सा है पर मस्त लग रहा है देखने में, एकदम बढ़िया, क्या मस्त लग रहा है एकदम, इसे कहते नहीं जहर एकदम बढ़िया लग रहा है। वैसे इतना तो नहीं आ रहा, तो सही है जैसा भी है, मस्त है बिल्कुल, झकास लग रहा है बिल्कुल। मैं अंदर तो जाने का कुछ लग नहीं रहा क्योंकि इसमें ताला लगा पड़ा हुआ है इसके वजह से, तो चलते अपने सिग्नेचर ब्रिज ही चलते हैं यहाँ से सीधा, फिर और क्या कर सकते हैं। I
your touch. You're the reason I believe in love. तो अभी फिलहाल देखो सुबह के खाली 8 बजे और इतनी तगड़ी गर्मी हो रही है, सबसे ज्यादा क्या करें। और ऊपर में ऐसे में मास्क लगा रखा है, अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो अपना चलान ही कट जाएगा सीधा, जो कि हम नहीं चाहते बिल्कुल भी। क्या करें, इतनी सुबह सुबह आज लग रहा है सूर्य देव ज़्यादा ही गर्म माहौल से होके निकले, इतनी गर्मी है हद से ज़्यादा। भगवान जी थोड़े बादल ही ला दो। चलिए तो दोस्तों आज अब मैं तुम्हें आपको दिखाता हूँ एक मजेदार मस्त चीज, बिल्कुल एकदम लेटेस्ट जो हमारे आती है। एक मिनट, एक ये अभी दोस्तों देख सकते हैं ब्रो दादा, ये देखिए मस्त है एकदम, यहाँ का व्यू एकदम तगड़ा है, देख सकते हैं ये एकदम जिसे बोलते हैं बिल्कुल एकदम जहर। और वो देखिए आपका सिग्नेचर ब्रिज, देख सकते हैं ना मस्त लग रहा है सिग्नेचर ब्रिज एकदम, और इस पानी और बढ़िया लग रहा है। तो चलते हैं यहाँ से फिर दोबारा वापस जहाँ हम जाने वाले थे। वैसे तो मैंने दूर से सिग्नेचर ब्रिज दिखा दिया आपको, तो अभी हम उसके पास जाएंगे सिग्नेचर ब्रिज के, पहले रास्ता पार कर लेते हैं। और ये हमने रास्ता पार कर लिया, यहाँ तो रूल की धज्जिया सी उड़ा देते हैं पूरे में। गाड़ी वाले के वजह से फुल मजा आए, गाड़ी में बैठ कर रोमांचिक गाने एकदम बिंदास। तो हम जा रहे थे सिग्नेचर ब्रिज, हमारे सिग्नेचर ब्रिज जाते जाते में काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हैं, तो हम भी वो साथ सब कुछ देखते हुए जाएंगे और मज़े में बिल्कुल। संडे आज के दिन छुट्टी है फुल, मज़े में घूमो फिरो, संडे बनाने वाले की जय हो, मज़े फुल। तो गाइस देख सकते हैं हमारे यहाँ का क्या मस्त है एकदम बढ़िया, और साथ ही की मेट्रो लाइन जो बन रही है बहुत जल्द बन के तैयार हो जाएगी एकदम बढ़िया तरीके से, बेस्ट एकदम। आज हम सबको सेल्फी खींचने का जैसे इतना शौक होता है, और जंगलों में तो खासकर और मज़ा आता है। ये देख सकते हैं एकदम क्या एकदम बढ़िया है, ये देख सकते हैं एकदम मस्त जगह एकदम बढ़िया, पर एक हम इसके अंदर नहीं जा सकते, मैं बता नहीं सकता आपको कि कितनी गर्मी पड़ रही है इस पर, इससे क्या मुझ पर, क्योंकि मेरी जो बैक साइड है वो पूरी गीली हो चुकी है। क्या करें, अभी आगे से हल्की हल्की गीली और भी हो चुकी है, शायद क्या करें ब्लॉग तो बनाना ज़रूरी है, इसलिए अब काफ़ी नहीं थोड़ा बहुत ही दूर रह गया, बस हल्के ही से पास है, अभी हमें थोड़ा और घूम के जाना पड़ेगा क्योंकि हम ये पैदल ब्लॉक बना रहे हैं। गाड़ी तो है नहीं अभी, तो लेके शुरू करके पक जाए, और संडे के टाइम में थोड़ा घूमे फिरेंगे और क्या मज़े करेंगे, सर्च करेंगे और क्या। इसी के साथ तो चलते हैं आगे, बस वो छोटा सा दिख रहा होगा आपको सिग्नेचर ब्रिज, अभी उसी के पास पहुँचने वाले हैं। चलिए चलते, गर्मी का तो कोई बार ही नहीं है एक तरीके से बता रहा है, तो मैं आपको आगे से दिखाता हूँ एकदम मस्त करके। हम सिग्नेचर ब्रिज के पास पहुँच चुके हैं, जो कि देख सकते हैं वो रहा सिग्नेचर ब्रिज। लिटरली गाइस इतनी गर्मी पड़ रही है हद से ज़्यादा, और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि मैं पानी की बोतल लाना भूल गया,
और जब भी कभी भी ट्रैवल करो तो भाई साहब याद रखना कम से कम पानी की बोतल तो अपने साथ रखो, वरना आपके क्या दिल को दवा टाइट हो रखिए। फिलहाल प्यास लगी पड़ी है और यहाँ आसपास कोई दुकान नहीं है जिससे हम पानी ले लें। बहुत मेरी एक कट है जो कटे बने ये पूरी तरीके से पूरी तो नहीं आधी तरीके पूरी है, दिमाग खराब हो गीली हो चुकी है। अब इसका क्या कर सकते हैं, इससे थोड़ी देर से आराम करेंगे थोड़ी देर। सीरियसली अब हम पहुंच चुके हैं अपने सिग्नेचर ब्रिज के पास। हमारे बालों की तो ऐसी तैसी हो रही है वैसे भी, और हम पहुंच चुके हैं सिग्नेचर ब्रिज। चलो मास्क लगा लेते हैं, मास्क सही में बहुत गीला हो चुका है मेरा, अब इसका कुछ तो हो नहीं सकता, इसको सुखा ले। तो वैसे भी धूप कम हो चुकी है फिलहाल, और हम पहुंच चुके हैं सिग्नेचर ब्रिज। बस बजेगी बात, तो गाइस देख सकते हैं ये हमारा सिग्नेचर ब्रिज जो आ चुका है। देखने में एकदम मस्त लगता है बिल्कुल। इसके रात की टाइम इसमें लाइटें भी जलती है रंग बिरंगी, इसमें देख रहे हैं रात की टाइम का लुक एकदम अलग ही हो जाता है बिल्कुल। और इसमें कहते हैं ऊपर एक होटल भी है साथ में, अब पता नहीं वो तो हमने देखा नहीं है वैसे कहते तो लोग हैं इसके अंदर होटल है, कभी जाने का मौका मिला तो तब पता चलेगा। और इसके आसपास का व्यू भी बहुत बढ़िया है, ये देख सकते हैं क्या गजब लग रहा है, एकदम तो बढ़िया फुल हरियाली हरियाली। और आगे वो नदी आ चुकी है। कैसा लगा आपको हमारा यहाँ का सिग्नेचर ब्रिज जो दिल्ली में, और आज का ब्लॉग कैसा लगा साथी? और अगर चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन तो नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि हमारी नई वीडियो आने पे आपको तुरंत पता चले साथी में। सो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, ताकि हम ऐसी और बढ़िया बढ़िया वीडियो लाते रहे दो जाना। तो इसलिए तो गाइस हम सिग्नेचर ब्रिज को टाटा करते हैं, कहते हैं टाटा सिग्नेचर ब्रिज। अब कल मिलेंगे फिर से, कल नहीं अगर फिर कभी आए दोबारा यहाँ पे तो फिर दोबारा मिलेंगे, फिर हमेशा मिलेंगे फिर दोबारा। इसी के साथ नमस्ते और जय हो।